हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारा डिफरेंशिएशन। अब तक तो जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि आपको वाई कोई ना कोई फंक्शन ऑफ एक्स गिवन था, तो आपने उसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया था। सिंपल आपने डेरिवेटिव किया था, dy बाई dx आ गया था। अब हम डेरिवेटिव करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस का। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो इस फॉर्म में हो, फंक्शन एक्स वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स और वाई कंबाइंड हो। जब हमारे पास एक्स और वाई कंबाइंड होंगे, लाइक दिस टाइप, दिस टाइप, दिस टाइप, तो ऐसे क्वेश्चंस में वाई को एफ एक्स की टर्म में एक्सप्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जब डिफिकल्ट होगा तो हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए, जब डिफिकल्ट होगा तब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो अब हम सिंपल वाई को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स ट्रीट करेंगे। ध्यान रखना, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और वो फंक्शन ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है। तो हमने मान लिया लेट वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, फाई एक्स मान लिया। तो देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, वाई को एज ए फंक्शन ट्रीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 42, और हमें हर क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि हर क्वेश्चन में हमें dy बाई dx निकालना है। हमारा हर क्वेश्चन है, हमें उसमें क्या निकालना है, dy बाई dx। तो देखिए, dy बाई dx को कैसे निकालेंगे, देखिए करिए डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं। हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है देखिए। हाँ, तो देखिए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम। हमारा एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हमने लिख दिया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो देख क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू एक्स प्लस, अब टू एक्स वाई, टू टू तो हो जाएगा हमारा कॉन्स्टेंट, ठीक है। एक्स और वाई में ध्यान रखना हमारा लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये दो फंक्शन हो गए, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे यहां पर। वो क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई एज इट इज और एक्स का वन प्लस, अब आ जाओ वाई क्यूब। अब वाई क्यूब ना होकर ये फंक्शन क्यूब हो गया, तो फंक्शन का तो पहले क्या हो जाएगा, थ्री आगे एक पावर कम, और चेन रूल से फंक्शन का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स और इक्वल टू 42, 42 इज ए कॉन्स्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास जीरो। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमें सिंप्लीफाई क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है डी वाई बाय डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाय डी एक्स को हम एक तरफ रख लेंगे, यानी कि डी वाई बाय डी एक्स एक तरफ छोड़ दो, टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स और प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इस तरफ रह जाएगा, और बाकी टर्म माइनस टू एक्स और माइनस टू वाई दूसरी तरफ चली जाएगी। ये टू एक्स उधर चला गया और ये टू वाई उधर चला गया। अब इसमें से क्या करो, आप डी वाई बाय डी एक्स निकाल लो कॉमन, क्या बच गया, टू एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर, और यहां क्या करो आप, माइनस टू कॉमन है ले लो एक्स प्लस वाई। मुझे तो क्या निकालना है, डी वाई बाय डी एक्स, तो मैं कहूंगा यहां से मेरा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जो मल्टीप्लाई है उसको आप कर दो डिवाइड, तो माइनस टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय टू एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर। इस तरह से मैं अपना डिफरेंशिएशन कर सकता हूं किसका, इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव आपके आगे आ गया और ये आपका आंसर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाई कर लिया कि हम डेरिवेटिव को कैसे निकालेंगे अगर हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा हो तो। अगर देखो, आपको मोस्टली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, पर नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, हम अगला क्वेश्चन और ट्राई करते हैं सिमिलर पैटर्न पे। लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए, डेरिवेटिव निकालना वही प्रोसेस जो हमने अभी किया है, वही सेम प्रोसेस लगाइए। उस सेम प्रोसेस लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम अब हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन का डेरिवेटिव।
तो सेकंड क्वेश्चन का डेरिवेटिव है, तो करिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करिए अब इसी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन, तो क्या बन गया लोगरिथम। अब लोगरिथम है ये फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब इन टू में डेरिवेटिव किसका, अंदर वाले फंक्शन का, करिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और dy बाय dx, कैसे करा पता लग गया, पावर आगे 2y और y का dy बाय dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स एक फंक्शन हो गया, तो tan इनवर्स फंक्शन का क्या होता है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, अब x की जगह हमारा ये है तो फंक्शन का स्क्वायर, इनटू में d बाय dx y बाय x। अब इसका डेरिवेटिव हमें अभी करना होगा, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, u बाय v है ना, तो u बाय v रूल लगा लेंगे। तो देखिए 2 तो कैंसिल आउट हो गया कॉमन लेके, हर जगह से मल्टीप्लाई है क्योंकि, तो 2 नेक्स्ट टर्म में कैंसिल आउट कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो यहां बच गया x प्लस y dy बाय dx डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहां बच गया 1 बाय एलसीएम ले लो, ये क्या है y स्क्वायर बाय x स्क्वायर, तो x स्क्वायर एलसीएम लोगे तो क्या बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर ले लिया। अब डेरिवेटिव करो इसका u बाय v रूल से, u बाय v रूल क्या कहता है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो गया, x एज इट इज, y का dy बाय dx माइनस y एज इट इज x का 1, इज इट क्लियर। देखो ध्यान से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया हमारे पास x प्लस y dy बाय dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो x dy बाय dx माइनस y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से दोनों में ही आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किस में है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में है तो इसको कैंसिल आउट कर लो, कैसे कैंसिल आउट, सिंपल कैंसिल आउट हो गया, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गई, कैंसिल आउट होने के बाद क्या बच गया आपके पास, यही वैल्यू बच गई जो आपके पास है, नीचे से मैं इसको हटा देता हूं, अब की बार नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास ये बच गया। अब आपको करना क्या है, dy by dx एक तरफ और बाकी टर्म एक तरफ, तो लिखिए दिस इंप्लाइज y dy by dx माइनस x dy by dx इज इक्वल टू माइनस y माइनस x, इज इट क्लियर। इसको हमने उधर भेज दिया, इसको हमने इधर ले लिया। अब अगला स्टेप क्या होगा आपका, dy by dx आपको कॉमन लेना, तो कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, dy by dx कॉमन लेना, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, dy by dx विल बी कॉमन आउट, क्या बच गया y माइनस x, यहां से माइनस कॉमन आउट, क्या बच गया y प्लस x, इसको नीचे भेज दो, मुझे तो dy by dx चाहिए था, तो dy by dx जो आपको चाहिए वो क्या आ गया माइनस y प्लस x डिवाइडेड बाय y माइनस x, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो नीचे से ही माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया dy by dx इज इक्वल टू x प्लस y डिवाइड बाय x माइनस y, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ गया x प्लस y डिवाइड बाय x माइनस y, तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों सिंपलेस्ट है, बस आपको ध्यान रखना है y एज ए फंक्शन ऑफ x ट्रीट करना है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। उसके बाद चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे, अगर आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो थर्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग तरह से है, देखिए ध्यान से, अब तक जो दोनों क्वेश्चन हमने dy by dx निकाले हैं
आप चाहे बैक करके देख लेना, उन दोनों ही फंक्शन में dy by dx में y आया है, तो y आया है क्योंकि इम्प्लिसिट से हमने सोल्व कर दिया। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है और x नॉट इक्वल टू y एक कंडीशन दे दी, और आपको dy by dx की वैल्यू निकालनी है, ये आपको यानी कि शो करना है। तो शो करना है आपकी बार dy by dx में, आप ध्यान से देखना, यहां पर ओनली फंक्शन ऑफ x है, ओनली फंक्शन ऑफ x, आपका फंक्शन ऑफ y नहीं है यहां पर। तो अब कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। आप क्या करना, अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करना, अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो y आएगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको बाद में भी करना पड़ेगा सिंप्लीफाई डिफरेंशिएट करके। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम पहले डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या वाई की वैल्यू आती है, अगर आ जाएगी तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो पहले डिफरेंशिएट नहीं करना, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में बार बार इसीलिए पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि जो बच्चे हैं वो गलती करेंगे, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू है, तो एक्स रूट वन प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई रूट वन प्लस एक्स। बच्चों ये वैल्यू आ गई, अगले में क्या करना है आपको, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, आप क्या कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। चलिए तो क्या बन जाएगा, x तो हो जाएगा x स्क्वायर और रूट हट जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, y का हो जाएगा y स्क्वायर और रूट हट जाएगा, इज इट क्लियर। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। तो सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उधर ले जाओ, वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। देखिए ध्यान से, इसके फैक्टर हो गए एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, यस x और y कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया यहां से, y यहां से x। अब देखिए ध्यान से, एक तरफ आपका x माइनस वाई है, एक तरफ आपका y माइनस x है, और कंडीशन क्या रखी है, x और y बराबर नहीं है, तो मतलब ये वैल्यू जीरो, x और y बराबर नहीं है का मतलब क्या है, x माइनस y की वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब क्योंकि यहां से माइनस कॉमन लीजिए नेक्स्ट स्टेप पे, तो क्या बच जाएगा आपके पास, यही ले लेता हूं, माइनस कॉमन लेते ही आपके पास क्या बचेगा, माइनस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और ये वैल्यू। अब क्योंकि ये फैक्टर नॉन जीरो है, दिस फैक्टर इज नॉन जीरो, और हमेशा नॉन जीरो फैक्टर ही कैंसिल होते हैं, जीरो फैक्टर कभी कैंसिल आउट नहीं होता है, ध्यान देना इस चीज का हमेशा। तो नॉन जीरो फैक्टर को हमने कैंसिल आउट कर दिया, अब वाई एक तरफ ले लो, क्या बच जाएगा, वाई प्लस एक्स वाई और उसको भेज दो उधर माइनस, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन आ गया, वन प्लस एक्स और ये बच गया माइनस एक्स। तो यहां से वाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स बाय वन प्लस एक्स, इज इट क्लियर। तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, y आ गया। अभी तक मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, डिफरेंशिएशन नहीं किया, तो y आ गया, और y कैसा आ गया, ओनली ए फंक्शन ऑफ x आ गया, ठीक है, और मुझे यही चाहिए था। अब क्या कर दो आप, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो जो आपको शो दैट चाहिए वो आपका शो दैट वाला आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब हमें शो दैट में क्या चाहिए, dy by dx, तो मैं यहां इसका डिफरेंशिएट करता हूं, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, चलिए डिफरेंशिएशन नेक्स्ट लाइन में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यानी कि पहले सिंप्लीफाई करना है और बाद में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन,
तो क्या बच गया, dy by dx is equal to u by v rule लगेगा, तो u by v rule लगा दो। दूसरा तरीका क्या होता है, थोड़ा और अच्छा सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या करो, वन ऐड करके वन सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैं दोनों तरीकों से करा देता हूँ। पहले करा देता हूँ, ऊपर मैंने वन ऐड कर दिया और वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसमें से क्या है आपको फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, कर लीजिए, वन ऐड कर दिया, वन सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, नीचे है वन प्लस एक्स, मैं इसको ऐसे लिख दू, वन माइनस एक्स प्लस वन डिवाइड बाय वन प्लस एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, वन बाय वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाय वन प्लस एक्स, ये तो कैंसिल हो गया, वन हो गया। अब देखिए ध्यान से, अभी मैं इसको सिंप्लीफाई ही कर रहा हूँ, ये इसी से सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस टर्म। तो ये बच गया वन बाय वन प्लस एक्स माइनस वन, दिस इज वाई। अभी सिंप्लीफाई ही किया है आपने, डिफ्रेंशिएट नहीं किया। अब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, लेकिन हम अब क्या करते हैं, ये तो सिंप्लीफाई करके डिफ्रेंशिएट कर दिया, आपका आंसर आ गया, हमें डीवाई बाय डी एक्स चाहिए, तो हम डिफ्रेंशिएट ही करते हैं सीधा, कंफ्यूज नहीं होते और सिंप्लीफाई करने में। तो डायरेक्ट डीवाई बाय डी एक्स करो, करो एक्स प्लस वन चाहिए तो इसको एक्स प्लस वन की फॉर्म में लिख लो, तो क्या बन गया ये, दिस इज माइनस एक्स बाय एक्स प्लस वन। ठीक है, करिए, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर जैसा हमें पता है, माइनस को बाहर रखिए, एक्स प्लस वन एज इट इज, फिर एक्स का वन माइनस एक्स एज इट इज और एक्स प्लस वन का वन। ठीक है, इज इट क्लियर, सिंप्लीफाई करना है, इसको आगे सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिए क्या बनेगा हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस। ऊपर क्या हो गया, माइनस बाहर है, रहने दीजिए, एक्स प्लस वन माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स कैंसिल आउट हो गया एंड माइनस वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी कि जो आपको चाहिए था वो आपका आंसर आ गया। तो समटाइम्स आपको ध्यान देना कि अगर शो दैट वाला क्वेश्चन हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आंसर में क्या है, तो उस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है। अगर आंसर में वाई की टर्म होती तो मैं इसको सिंपल डीवाई बाय डी एक्स निकाल देता। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस लेक्चर।